हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अकाउंट्स पेपर ऑफ़ डिसम्बर 2021. तो आज हम डिसंबर 21 एग्जाम पेपर अकाउंट्स ग्रुप वन का रिव्यू करने जा रहे हैं एंड यूल बी हैप्पी टू नोट दैट एवरीथिंग वाज़ कवर्ड इन द क्लासरूम देर वाज़ नो सरप्राइज एलिमेंट जिन लोगों ने अच्छे से क्लास किया है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी सारे एडजस्टमेंट और सारे टाइप के क्वेश्चन क्लास में कवर किए गए थे तो पहला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन ए वो फाइव मार्क्स के लिए था और किस पे था एस इलेवन पे सिमिलर क्वेश्चन हमारी क्लास के नोट्स में भी है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू ऑन पेज नंबर सिक्स पॉइंट ट्वेंटी वन आपको दो ट्रांजेक्शन दिए गए उसकी जर्नल एंट्री करनी है ए एस इलेवन उसके बाद जो एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दैट वॉज वन बी फाइव मार्क्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बहुत ईजी एकदम बेसिक क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन उसको एनीबडी कैन डो इट वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट वन सी ए एस थर्टीन पे क्वेश्चन था ए एस थर्टीन पे इन्वेस्टमेंट पे बहुत ईजी क्वेश्चन जिसने भी ए एस थर्टीन किया है ही कैन ईजिली डू इट क्वेश्चन नंबर वन डी वॉज On disclosure of accounting policy. And this was also a very easy question. We have in our book two questions, question 24 and 23, on page 2.9. This uh, 1D had two parts. So, one question was similar to 24, and one was similar to 23 number question. And if you have read the book completely, attended the class completely, you will be able to solve it. क्वेश्चन नंबर टू ए वॉज फॉर टेन मार्क्स एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन इंश्योरेंस क्लेम अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम के सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट थे इस प्रॉब्लम में वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कराए गए हैं एंड यू कैन ईजिली सॉल्व इट एंड यू कैन गेट टेन मार्क्स क्वेश्चन नंबर टू वॉज अगेन ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टेन मार्क्स सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पे टोटल पंद्रह मार्क के क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम में एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व इन यू विल बी गिवन वन वन बॉन्ड इक्विटी शेयर एक बॉन्ड दिया रहेगा एक इक्विटी शेयर दी गई है उससे रिलेटेड दो तीन एडजस्टमेंट दिए हैं उनको अलग अलग आप अकाउंटिंग करेंगे तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन नंबर थ्री ए वॉज फॉर टेन मार्क्स ऑन ब्रांच अकाउंटिंग

डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए देन इट इज वेरी इजी लेकिन अगर पहले से नहीं किया है देन इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन कंडीशन क्वेश्चन नंबर फोर एक ही क्वेश्चन है ट्वेंटी मार्क्स के लिए वन क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी मार्क्स और उसमें इंस्टीट्यूट ने तीन चैप्टर एक साथ इन्वॉल्व कर लिए थ्री इन वन दिस क्वेश्चन कंटेंस एडजस्टमेंट ऑफ बोनस शेयर रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडम्शन ऑफ डिबेंचर थ्री इन वन दैट इज वाई दल्सो ट्वेंटी मार्क्स दिस क्वेश्चन हैड एडजस्टमेंट अगेन वापस मैं वही कहता हूँ कि रिडम्पन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ईजी है उसको अलग से करना रिडम्शन ऑफ डिबेंचर वाला जो पार्ट है वो बहुत ईजी है उसको अच्छे से करना और बोनस शेयर को अच्छे से करना उसको तो तीन इजी क्वेश्चन मान के करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपके ट्वेंटी मार्क्स आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव ए वॉज फॉर ट्वेल्व मार्क्स और इतना इजी क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉरपोरेशन प्री में कितना प्रॉफिट पोस्ट में कितना प्रॉफिट और अगर आपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करवाते हैं वो आपने प्रैक्टिस की होगी तो जितने भी एडजस्टमेंट थे लगभग सारे के सारे एडजस्टमेंट हमारे अलग अलग क्वेश्चन जो क्लास में करवाए गए हैं उसमें आ गया हालांकि इस क्वेश्चन में उन्होंने एक साथ बहुत एडजस्टमेंट दे दिए थे बट चिंता की कोई बात नहीं है इट इज़ कवर्ड इन डिफरेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव बी फॉर एट मार्क्स ऑन हायर परचेज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑन रीपजेशन मतलब रीपजेशन का जो पहला क्वेश्चन जो हम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन करवाते हैं और हमारी बुक में भी ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है पेज फोर पॉइंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ लोगों तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई चैप्टर भी है हालांकि ऐसा चैप्टर है देर इज अ चैप्टर लाइक दिस जो हमने कवर किया था क्लास में सेम क्वेश्चन इज कवर्ड इन क्लासरूम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अगर आपने क्लास अटेंड किए हैं क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर फोर्टीन पॉइंट पॉर्ट एट वहां से क्वेश्चन उठाया गया है और सेम टू सेम खाली फिगर बदल दिया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है कंपनी फाइनल अकाउंट में बहुत इजी क्वेश्चन मैनेजरल रेमोनरेशन निकालने के लिए हमें एक लॉस मेकिंग कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल निकालना होता है जो कि कई सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं हमारी बुक में ऐसे तीन चार क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर सेवन जो बिल्कुल इसका मेले में बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई की तरह की तरह और हमारी बुक में क्वेश्चन सेवन सेम क्वेश्चन है फिगर्स थोड़े बदल दिए उन्होंने बस और एक सरप्राइज वाली बात है क्वेश्चन नंबर सिक्स बी फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस चैप्टर से लिया गया है और ये क्वेश्चन हमारी बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन है आप बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पेज नंबर फोर्टीन पॉइंट एट एक थियोरी क्वेश्चन है लेकिन हमने क्लास में वो थ्योरी क्वेश्चन आपको लिखवाया भी है वी हैव मेड यू राइट दिस क्वेश्चन सो इंजॉय इफ यू है क्लास सिंसियरली रिवाइज दिस पेपर वॉज डैम ईजी और एक क्वेश्चन नंबर सिक्स डी अगेन अ वेरी ईजी क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी शूड ऑन कन्वर्जन ऑफ अ डिवेंचर और हमारी क्लास के नोट्स में सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पेज नंबर इलेवन पॉइंट टू टू तो मेरा जो असेसमेंट है कि एक सिंसियर डेडिकेटेड स्टूडेंट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए इस पेपर में सेवेंटी मार्क्स मिनिमम लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होना चाहिए अगर आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटल आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अच्छे से किए हैं या हमारी क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन आपने दो तीन बार रिवाइज कर लिए हैं तो लगभग आपका सारा का सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा हालांकि मुझे लगता है पेपर थोड़ा लेंदी था तो शायद स्टूडेंट को टाइम का एक इशू आ सकता है बट स्टिल आई थिंक इट वॉज मैनेजेबल ऑल क्वेश्चन क्लास नोट्स सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग एडवांस्ड अकाउंटिंग बैच ऑन सिक्सटी डिसम्बर वन फोर्टी फाइव सिर्फ फोर्टी फाइव डेज में एवरी डे थ्री थ्री एंड हाफ आवर हम अटेंड करेंगे और आपका पूरा सिलेबस अच्छे से इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन ज्वाइन आवर अकाउंट एडवांस्ड अकाउंटिंग बैच स्टार्टिंग ऑन ऑफ़ सिक्सटींथर दिस ईयर थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स थैंक यू